हाय गाइस, वेलकम टू सुजातन किचन ब्लॉग्स। नमस्ते, जय जगन्नाथ। और अभी सुबह का, शाम का पूजा पाठ, मंदिर सब काम हो गया है। और आज मैं बनाऊंगी आलू पुलाव और टमाटर खजूर का चटनी। तो चलो अभी किचन की तरफ चलते हैं। भूख लग रहा है वैसे। तो पुलाव के लिए गोभी, एक ठो गोभी ली हूँ, गाजर छोटा दो ठो, ग्रीन मटर, टमाटर एक ठो, हरी मिर्ची तीन चार, और ये आलू कच्चा वाला है, उसको बॉयल नहीं किया, उसको तेल में फ्राई करना है। और ये प्याज सात ठो ग्राइंडिंग की हूँ, दरदरा सा, ज़्यादा नहीं। और बिरयानी मसाला ये लौंग चार ठो, और स्टार फ्लावर थोड़ा सा मैं डालती हूँ, ज़्यादा स्मेल होता है इसलिए। और दालचीनी, तेजपत्ता, गोलकी पाँच सात ठो, और छोटे इलायची, और ये वो पिकल है, और ये खजूर, टमाटर का चटनी के लिए खजूर, टमाटर चार ठो, और प्याज, लहसुन, कड़ी पत्ता, ग्रीन मटर, और गुड़, चीनी गुड़ दोनों भी डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके लिए पंचफुरन चाहिए। तो चलो अभी पुलाव रेडी करते हैं। मुँह से पड़े तो पछर यही कर लो। थ्री टू वन। तो तीनों अभी किचन है, खाने बनाने वाला मैं हूँ, ये लोग हेल्पर है दोनों। ये हेल्पर भी नहीं है, नहीं सब कटिंग कर दी, ये लिए है अच्छा से रेडी करके। तो चलो अभी पुलाव बनाते हैं। अभी तेल पूरा हीट हो गया है, उसमें लो फ्लेम कर दी हूँ, उसमें जीरा तो ज्यादा डालना है, जीरा और ये सब डालेंगे। बस इसमें अभी प्याज डालेंगे। अभी इसको भूनेंगे अच्छे से, और थोड़ा तेल डालना है। अभी ये भूनेंगे, इसके साथ ही आलू को भूनेंगे अच्छे से थोड़ा गोल्डन तक। ये होगा अभी 5 मिनट तक भूनना है इसको। अभी इस तरफ मैं चटनी बना दूंगी, लेट हो गया ना, तो ये तो आलू फ्राई होगा। डॉला जी खाना बनाएगा। तो चलो अभी चटनी के लिए इसमें हल्का सा तेल दूंगी, और थोड़ा मटर को, ये वाला है तो भूल गया था, दो दो तो हल्का फ्राई करना है बस। इसमें फिर टमाटर डालेंगे, नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर डाल के इसको पूरा सॉफ्टनेस होने तक सिल जाएंगे, कवर कर देंगे। ये तो और लगेगा 5-10 मिनट फ्राई, दोनों ही ऑन रूट है। अभी इसमें हरी मिर्ची डाल दी हूँ, चिपक रहा है नहीं चिपक। अभी इसमें मटर भी जाएगा, गाजर और फूलगोभी, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, और बाद में थोड़ा टमाटर देंगे। मुंडो तो अभी हमारा पुलाव बन गया है, खुश हो रहा है, बहुत अच्छे से धनिया भी डाल दी हूँ, अच्छे से टमाटर हो गया है। अभी इसमें टमाटर रहेगा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और मिर्ची पाउडर एक चम्मच, थोड़ा थोड़ा तीखा रहेगा ना, अच्छा लगता है। और जीरा धनिया पाउडर बाद में ऐड करूँगी, और नमक दे दूंगी, नमक का टेस्ट के हिसाब से। अभी बॉयल होगा, तो अभी टमाटर मेल्ट हो गया, और मेरा बेटा इसमें मैं और हल्दी डालने के लिए आ रहा था, तो अभी खजूर डाल देंगे, इसको थोड़ा टाइम रेस्ट देंगे। मेरे को लग रहा है बस पापा ही खाएंगे। नहीं मैं खाऊंगी इसको, मैं रख के बना देती हूँ ना, फ्रिज में रख के खाती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। और ये गुड़ जाएगा अभी ना, बड़ा मीठा थोड़ा होगा, मैं तो मीठा खाती हूँ, नहीं खाएंगे इतना। और ये तो अभी ऑन रूट है, इसको अभी कवर कर देंगे, थोड़ा पानी दूंगी, कवर कर देंगे इसको, हल्का सा पानी, और जीरा धनिया पाउडर कमी के टाइम डालेंगे। अभी इसको देंगे पापा, अब बस एक हाथ का दो रूम में चल जाए। बस ये ना और थोड़ा चटपटा होगा, फिर इसको तड़का लगाएंगे। जीरा पाउडर आधा चम्मच, और धनिया पाउडर भी आधा चम्मच। अभी इसको हो गया है, तड़का लगाएंगे।
वो और उसके पापा दोनों खा रहे हैं। कैसे लग रहा है बोलो, आप स्टार्ट कर दी। अच्छा है, ट्राई करेंगे मतलब ना। चलो खाओ गुगु। हाँ पुलाव ज़्यादा पसंद। अच्छा है, और खजर टमाटर का चटनी कैसे लग रहा है बोलो। वो मीठा नहीं खाते ज़्यादा, ठीक है, यम्मी। चलो अभी ये लोग डिनर करेंगे, ये पानी। तो चलो हम लोग अभी डिनर करते हैं, आप लोग भी डिनर कर लीजिए। तो हम लोग का खाना पीना बन गया है और टेस्टी भी बहुत ज्यादा था, थोड़ा नमक कम था तो खाए, क्यों प्रेशर खाली करके खाया। और बोला कि उसने अच्छा अचार का डिब्बा भी खत्म हो गया, वो मतलब ग्रेवी जूस खाता है, वो पिकल वगैरह नहीं खाता है, गाजर वगैरह जो डालते हैं वो नहीं खाता है। और पुलाव का मटर भी छंट के रखा था, गाजर रखा था, आलू गोभी खा लिया था, वो भी गोभी एक पीस रख दिया। तो आप लोग प्लीज ट्राई करेंगे और कमेंट्स में भी देंगे कैसे लगा। हम लोग को तो टेस्ट लगा, थोड़ा नमक कम हो गया था, फिर बाद में थोड़ा नमक हट गई, मेरे को नहीं लगा इतना नमक कम, तो आज नहीं लगा, हम लोग दोनों को थोड़ा कम नमक लगा। तो इस वीडियो आज के लिए इतना, वीडियो अच्छी लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ कमेंट्स दीजिए और प्लीज़ फैमिली फ्रेंड लोग के साथ वीडियो शेयर।